بسم اللہ الرحمن الرحیم। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे को बुलाकर इसे एक पुरानी खस्ता हाल घड़ी दी और कहा, बेटा ये घड़ी तुम्हारे पर दादा की है और 200 साल पुरानी है। ये घड़ी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसे लेकर घड़ियों वाली दुकान पर जाओ और पूछो वो ये घड़ी कितने में खरीदेंगे। वो लड़का घड़ियों की दुकान से लौटा तो कहने लगा, दुकानदार घड़ी की हालत देखते हुए 5 दरहम से ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं। बाप ने कहा, बेटा अब इसे वहाँ लेकर बेचो जहाँ कदीम नवादरात फरोख्त होते हैं। वो लड़का जब वहाँ से वापस आया तो बोला, वहाँ लोग इसे 5000 दिरहम देने को तैयार है। ये सुनकर वो शख्स बोला, अब इसे अजायब घर लेकर जाओ और फरोख करने का इरादा जाहिर करो। लड़का अजायब घर गया और वापस आकर निहायत हैरानी की आलम में बाप को बताया, वो लोग इसे 50000 दिरहम में खरीदने को तैयार है। इस बूढ़े बाप ने बेटे को मुखातिब किया और कहा, इस घड़ी की कीमत लगाकर मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि अपनी जात को उस जगह जाया मत करना जहां तुम्हारी कद्र कीमत ना हो। तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा वही लगाया जाएगा जिन्हें इंसान को परखने की समझ होगी। इसलिए जिंदगी में अपने आप को फजूल लोगों में ज़ाया मत करना और इनकी कड़वी कसीली बातों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाना। जो तुमसे हसद रखते हैं और बेबुनियाद बोझ की वजह से कदर नहीं करते। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।